तो देखो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। कल लास्ट क्लास में हमने सीखा था रॉयल्टी कैलकुलेशन के बारे में, और अब आगे हमारा टॉपिक है कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन। अब मेन बात आती है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है और ये क्यों लगाया जाता है। अब आपको मालूम है जितनी भी हम फिक्स असेट्स परचेज करते हैं, अगर आपने कोई भी सामान आज ख़रीदा, जैसे कि मैंने कहा AC खरीद लिया आज हमने, और मैं इसको अब 2 महीने बाद बेचने जाता हूँ, तो क्या ये सेम प्राइस में बिकता है? नहीं, सेम प्राइस में नहीं बिकता। कोई भी हम सामान अगर ख़रीदते हैं अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए या अपने ऑफिस के यूज़ करने के लिए, तो जो भी हमने सामान ख़रीदा है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, शॉप से निकलने के बाद डाउन हो जाती है, ठीक है। यही कहलाता है हमारा डेप्रिसिएशन, यानी कि जो आपने सामान ख़रीदा और जो उसकी वैल्यू में डाउन आ गया, ये कहलाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। एक होता है हमारा डेप्रिसिएशन और एक होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में क्या होता है, चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि तो आपने बिल्डिंग खरीद ली कोई, आज आपने बिल्डिंग खरीदी कोई 50 लाख रुपए की, और आप देखते हो कि भाई एक साल बाद उसकी वैल्यू 60 लाख या 70 लाख हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, एप्रिसिएशन हो जाता है। या फिर आपने कोई गोल्ड खरीद लिया, और गोल्ड के भी रेट अमूमन बढ़ते ही हैं, आज आपने खरीदा है गोल्ड और कल या 10 दिन बाद ही रेट बढ़ गए, तो उसमें भी क्या होगा, आपका अप्रिसिएशन होगा। लेकिन जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ करने के लिए ख़रीदी हैं, वो 99% क्या होता है, उनकी वैल्यू डाउन होती है। जैसे कि आपने कंप्यूटर ख़रीदा, AC ख़रीदा, कार ख़रीदी, बाइक ख़रीदा, लैपटॉप ख़रीदा, मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, कोई फर्नीचर ख़रीद लिया, इन सभी आइटम्स की क्या होती है, वैल्यू ख़रीदने के बाद डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम भी क्या करते हैं, अपनी बुक्स के अंदर, अपने अकाउंट्स के अंदर हर साल 31 मार्च को जब अपनी बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, तो क्या लगाते हैं, इन सभी आइटम्स पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जितना भी हमने सामान खरीदा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को लगाने के लिए हम ऑन कर लेंगे टॉपिक कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन, और इसको ऑन करने के बाद आप सेव कर दोगे। सेव कर दिया, अब अगर आप यहाँ पर कोई भी फिक्स असेट परचेज करोगे, देखो हम पहले 1 अप्रैल में कोई फिक्स असेट परचेज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा मैंने कंप्यूटर लेना, वो परचेज कर लिया 1 लाख रुपए का, और हमने यहाँ पर AC परचेज कर लिया 1 लाख रुपए का, और मैंने TV डिश परचेज कर लिया 2500। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी करनी पड़ेगी, आप जब आप सामान खरीदोगे तो इसके अंदर रखोगे फिक्स असेट्स, फ़ोन जेब में रख लो, और अब ये कहता है कि रेट ऑफ एनुअल रेट क्या रहेगा, आपका डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, यानी कितने परसेंट आप इसकी वैल्यू को डाउन करोगे। तो ये आपका, आपने कहा जो हम इस पर डाउन करेंगे वो 10% करेंगे, इन सभी का रेट आपको मिलेगा, तो उस रेट के हिसाब से आप यहाँ पर परसेंटेज लगाओगे। तो आपने कहा एनुअल रेट इसका रहेगा 10%, हाफ ईयरली रहेगा 5%, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी आप यहाँ पर 10% लगाओगे। दो चीज़ें हैं आपका अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई कंप्यूटर आइटम को आपको कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है, आप वो रखोगे, और सेम नीचे ही आप यहाँ पर कंपनी एक्ट में भी सेम वही परसेंटेज डाल दो। डालने के बाद आप इसको सेव करोगे, फिर आप जब दूसरे आइटम परचेज करोगे AC, और यहाँ पर भी आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डालोगे और इसको सेव कर दोगे। फिर आइटम आपने खरीदी TV डिश, और TV डिश के अंदर भी आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डाल दोगे और इसको आप F2 बटन दबाकर सेव कर दोगे, ठीक है। और आपने अब जिससे ख़रीदा उसका नाम डाल के आप उसको सेव कर दोगे। सेव कर दिया हमने, अब जब हमारा सेव हो जाएगा तो आप डिस्प्ले के अंदर आओगे, और डिस्प्ले के अंदर आपको रिपोर्ट मिलेगी यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ट। जितना भी आपका रिपोर्ट का पार्ट रहेगा, कोई भी आपने फीचर ऑप्शन ऑन किया है, या तो आपको लेज़र के अंदर मिलेगा या फिर मिलेगा आपको डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले में आपका एक फीचर ऑप्शन और अनेबल हो गया, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन चार्ट। तो यहाँ पर आपको पूरे चार्ट की रिपोर्ट दिखाएगा। अब क्या दिखाता है आपको, यहाँ पर कहता है कि इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओ,
तो आपने यहाँ पर डायल आइटम कंप्यूटर लेना हो, और जैसे आप कंप्यूटर लेना हो आइटम डालोगे तो आपके पास देखो डिटेल आ जाएगी, कहता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है 10%। आपने 1 लाख का ख़रीदा और 1 लाख का अगर आप 10% लगाओगे तो आपका हो जाएगा कितना 10,000, डेप्रिसिएशन चार्ज 10,000। और कहता है कि अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई, अब इसकी वैल्यू 90,000 रह गई। इसी तरह से ये आइटम है, ये इसके पे भी आपने 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया, वैल्यू कितनी रह गई इसकी 90,000। और ये आपने जो टीवी डिश खरीदा इस पर भी आपने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया कितना परसेंट, इस पर भी आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 10%। ठीक है, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया इस पर, इस पर चार्ज हो गया 250 रुपये। और अब इसकी जो फाइनल कॉस्ट रही वो क्या रही, यहाँ पर अब कह रहा है कि इसकी जो फाइनल कॉस्ट होगी वो 2,250, लेकिन अभी इसके अकाउंट के अंदर पोस्ट नहीं हुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, F4 बटन दबाओगे आप यहाँ पर, और F4 बटन दबाने के बाद यहाँ आप करोगे ऑल अकाउंट्स, और ऑल अकाउंट्स अब कब लगेगा, हर साल के आखिर में, और अकाउंटिंग का आखिरी दिन क्या होता है हमारा 31 मार्च, यानी 31 मार्च में हम सारी अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं, और जितनी एंट्री डालनी होगी हम 31 मार्च में डालेंगे। और यहाँ पर हम डाल देंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लिखेंगे और एंटर करके ओके करके सेव कर देंगे। अब जैसे हमने आप इसको सेव किया, अब हम क्या करेंगे, लेज़र निकालेंगे कंप्यूटर Lenovo का। तो कहता है कि आपने देखो ख़रीदा कितने का था, तो कहता है 1 लाख का ख़रीदा था, और अब इस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया आपका 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया। उसके बाद आपने एक आइटम और ख़रीदी, क्या एसी सैमसंग खरीदा था, ये भी आपने कितने का ख़रीदा था 1 लाख का, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लग गया इस पर 10,000 लग गया। तो वैल्यू कितनी रह गई, अब आपकी जो वैल्यू रह गई है 90,000 रुपये रह गई। और एक आपने ख़रीदा था टीवी डिश, और टीवी डिश के अंदर भी अब आप देखोगे तो 250 रुपये का अब आपका डेप्रिसिएशन लग गया, और इसकी जो वैल्यू रह गई वो 2,250 रुपये ही इसकी फाइनल वैल्यू अब यहाँ पर रह गई है। अब अगर आप एक जगह और जाकर देखोगे बैलेंस शीट के अंदर भी क्या हो जाएगा, आपका इतना ही एक्सपेंस भी बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओगे और यहाँ पर जब आप एक्सपेंस इनडायरेक्ट निकाल के देखोगे तो एक आपका ऑप्शन आ जाएगा किस नाम से, डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। और यहाँ पर अब आपको दिखा देगा कि भाई मार्च में आपका 20,250 रुपये खर्चा हो गया। जिस खर्चा क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपनी फिक्स एसेट जो खरीदी थी उसकी वैल्यू को डाउन कर दिया, और जितनी वैल्यू आपकी डाउन हो जाएगी उतना ही हमारा वो क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस बन जाएगा। तो कह रहा है कि 10,001 और 2,250 रुपये आपका एक क्या हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया, और ये डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अगला ऑप्शन हमारा रहेगा अकाउंट्स के अंदर मेंटेन सब लेज़र। अब मेंटेन सब लेज़र का बेसिकली यूज़ क्या है, मेंटेन सब लेज़र का यूज़ है आपका, आप जब एक ही पर्सन के आप कई सारे अकाउंट्स मैनेज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला एक कंपनी है, किसी एक पर्सन का नाम राकेश है और उसकी 4 कंपनीज हैं, और आप चाहते हो कि 4 कंपनीज का लेज़र अलग अलग मैनेज हो जाए और एक साथ भी मैनेज हो जाए। पर्सन एक है लेकिन एक पर्सन ने अपनी क्या कर रखी है, 4 कंपनी बना रखी है, 4 ब्रांच बना रखी है। आप चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी आ जाए, एक साथ भी आ जाए और अलग अलग होकर भी दिखाए आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, मेंटेन सब लेज़र को ऑन करना रहेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी, अगर आप एक बार इस वाले फ्यूचर ऑप्शन का यूज़ कर लेते हो तो आप इसको फिर दोबारा बंद नहीं कर पाओगे एक बार ऑन कर लेने के बाद। तो हमने क्या करा, ठीक है हमने कहा हम चालू करेंगे, और हमने चालू करने के बाद इस फीचर ऑप्शन को यहाँ पर क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव हो जाएगा हमारा फीचर ऑप्शन। सेव हो जाने के बाद जब आप यहाँ पर अकाउंट बनाओगे मास्टर के अंदर आकर, जैसे आपने बोला एक पर्सन है इसका नाम है कमल किशोर, और ये हमारा डेटर है, और इस डेटर की ही हमारी क्या है 4 से 5 कंपनीज हैं। हमने कहा एक कंपनी का नाम बालाजी फैब्रिक है,
और किसकी कंपनी है, अंडर ग्रुप में डालोगे सब लेजर और सब लेजर में डाल दोगे कमल किशोर। दूसरा बनाया आपने और इसके अंडर ग्रुप में भी डाला आपने सब लेजर और यहां डाल दिया आपने कमल किशोर। एक और बनाया आपने और इसके अंडर ग्रुप में भी डाला आपने सब लेजर और यहां डाला आपने कमल किशोर, ठीक है। और एक आपने बना दिया पर और इसके अंडर ग्रुप में भी डाला आपने सब लेजर और यहाँ डाल दिया आपने क्या कमल किशोर। और F2 बटन दबाकर अब आपने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद आगे हमें क्या करना रहेगा, जब आप इस पर्सन को सेल करोगे, इसकी कंपनी जो है उनमें सेल डालोगे, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा। एक तो आपने क्या बनाया था, बालाजी ट्रेडिंग, बालाजी फैब्रिक, तो आपने यहाँ पर आइटम डाल दी, आपने कभी 10 आइटम सेल करी है 10,000 रुपये के हिसाब से F2 से सेव कर दिया आपने। उसके बाद फिर आपने एक और पार्टी को सेल किया, TRV ट्रेडिंग कंपनी, और इसको भी आपने यही आइटम जैसे कि सेल कर दी। एक और हमने सेल किया, एक क्या और क्या नाम था, RV ट्रेडिंग कंपनी, तो हमने इसको भी सेल कर दिया। और ये हमने F2 बटन दबाकर सेव कर दिया, सेव हो गया। अब आपने लेजर निकाला किसका, आपने निकाला RV ट्रेडिंग कंपनी का लेजर। और जैसे आप RV ट्रेडिंग कंपनी का लेजर निकालोगे यहाँ पर, तो देखोगे लेजर में दिखा रहा है इसका अमाउंट। दूसरा आपने निकाला बालाजी फैब्रिक का, बालाजी फैब्रिक निकालोगे तो उसका भी लेजर में दिखाएगा। और डायरेक्ट अगर आप कमल किशोर का लेजर निकालोगे तो कमल किशोर के लेजर में सारी एंट्रीज आपकी अब एक साथ दिखाएगा। पर्सन तो एक ही है लेकिन क्या है, इसकी कंपनीज अलग अलग हैं, तो कंपनीज अलग अलग भी हो गई और एक साथ भी हो गई। और अब अगर आप यहाँ पर रिसिप्ट लोगे यहाँ पर, तो देखो अब रिसिप्ट लेते वक्त यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि आपने एक रिसिप्ट ली किससे, TRV ट्रेडिंग कंपनी से, आपने कहा 50,000 रुपये लिए। एक आपने बालाजी फैब्रिक से लिए यहाँ पर, कितने आपने कहा, इससे आपने 90,000 रुपये रिसीव कर लिए। और एक आपने यहाँ पर रिसीव कर लिए RV ट्रेडिंग कंपनी से, आपने कैसे रिसीव करा, आपने 80,000 रुपये आपने रिसीव कर लिया। और क्या रिसीव कर लिया आपने, कैश। जैसे सेव करोगे सेव हो जाएगा। अब लेजर निकाल के देखोगे तो सबके लेजर में से भी उतनी अमाउंट कम हो जाएगी और आप पूरा लेजर निकालोगे एक साथ, तो एक साथ भी आपकी पूरी अमाउंट ये कम करके दिखाएगा इसके लेजर, ठीक है। तो समझ में आया किस लिए यूज आपका, जब एक ही पर्सन की कई सारी कंपनीज होंगी तो उसके लेजर एक साथ मैनेज करने के लिए और अलग अलग मैनेज करने के लिए, दोनों तरह से आप इस वाले फीचर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद हमारा नेक्स्ट फीचर ऑप्शन आता है क्या, अब आता है हमारे पास मेंटेन मल्टीपल अकाउंट अलियाज। अलियाज का बेसिकली यूज क्या होता है आपका, अलियास का यूज़ होता है आपका किसी भी फुल फॉर्म को आप शॉर्ट में अगर डालते हैं तो वो क्या कर लेगा, अलियास से पिक कर लेता है आपका। जैसे कि आप लेजर बनाते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं, तो लेजर क्रिएट करते वक्त नीचे आप देखोगे, नहीं वो तो आपका ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप ग्रुप में तो आपका लेजर नहीं निकलेगा ना, कंपनी अलग अलग है, कंपनी
हाँ पार्टी नेम बनाया है, लेकिन अगर आप उसके अंदर ग्रुप डाल दोगे तो ग्रुप के अंदर आपका लहजा नहीं निकलेगा। अगर आप जैसे हम डेटा डालते हैं, डेटा की जगह हम F3 करके कोई ग्रुप बना लेते हैं, तो ग्रुप में क्या होता है, लहजा नहीं निकलता आपका। उसमें से आपको सेल दिखाया कितनी सेल करी है, ये रिसिप्ट नहीं दिखाया कितनी रिसिप्ट आई है आपके पास। हाँ इसलिए हमने कहा भाई पर्सन तो एक ही है हमारा, और उससे टोटल हमने सेल कितनी करी है उस एक पर्सन को, और उससे लेना कितना हमें पैसा टोटल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब लेजर को चालू करना पड़ेगा। अब देखो आपको एक साथ ही कंबाइन कर दिया, वरना आपका क्या था, आपको सबका लेजर अलग अलग निकालना पड़ता। आज से पूछता भी कमल किशोर का कितना आउटस्टैंडिंग है, तो आप क्या करते, पहले आप निकालते बालाजी का लेजर, फिर TRV का लेजर, फिर RV ट्रेडिंग कंपनी का लेजर, उसके बाद टोटल करते। टोटल करने के बाद जिनकी इन सबकी अलग अलग पेमेंट आई होती उन सबको फिर माइनस करते, फिर बता दें कि भाई इसका जो बैलेंस बच रहा है वो 3,10,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक साथ भी आ जाएगा और कंबाइंड होकर भी अलग अलग आ जाएगा इसके अंदर, अगर आप सब लेजर का यूज़ कर लोगे तो। ठीक है, अब इसके बाद हाँ ये फीचर बंद नहीं होगा एक बार ऑन होने के बाद, लेकिन हाँ आप सब लेजर की जगह फिर आप अपना जनरल लेजर डालो, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हमने अलियास नेम को चालू किया और हमने यहाँ पर डाल दिया, अब जैसे अलियास नेम क्या करेगा, आप जब भी इसका नाम अगर कुछ भी नाम रख दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर वन रख दिया, और वन रखने के बाद मैं इसको सेव, ठीक है, और अभी यहाँ पर आपको जनरल सबके लिए जनरल लेजर रखना पड़ेगा, और डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दोगे, डाटा डाल दोगे। डेटा डालने के बाद जब आप इसको सेव करोगे, अब जब सेव करोगे और जैसे आप इस पार्टी को सील करोगे, और अगर आप मैं यहाँ पर वन डालता हूँ, देखो वन में क्या दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है, और जैसे एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, आपका एयर ओवरसीज आ गया आपके यहाँ पर। तो ये आपका लियाज का काम है, और इससे ज़्यादा कोई इसका काम नहीं है। उसके बाद आ गया था आपका मल्टी करेंसी का क्या यूज़ है आपका, जब आपका बिजनेस आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और उसके अंदर आपको पेमेंट करनी रहती है डॉलर में या पाउंड में या यूरो में। जैसे कि आपने सामान खरीदा चाइना से, तो चाइना से जो भी आप सामान खरीदते हो वो सारी की सारी हम पेमेंट करते हैं डॉलर के अंदर। ठीक है, और इंडियन करेंसी का रेट क्या है और डॉलर का रेट क्या चल रहा है, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, क्या चाहिए होगा आपको, आपको चाहिए होगा यहाँ पर मल्टी करेंसी। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी मल्टी करेंसी के अंदर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपने भाई परचेज़ किया, आपने कहा परचेज करके लाए हम चाइना से सामान को, और यहाँ पर अब हमने एक कंपनी बना ली, सिंडिकेटर, और यहाँ पर अब आप क्या करोगे, मल्टी करेंसी फीचर ऑप्शन को यस करोगे और F2 बटन दबाकर सेव कर दोगे। अब क्या होता है कि परचेज किस में कर रहे हो, डॉलर में कर रहे हो, रुपीज़ में कर रहे हो, पाउंड में कर रहे हो, यूरो में कर रहे हो, तो आपने कहा जो परचेज करी है हमने कहा डॉलर में करी है। अब क्या रहा है कि भाई उस इस टाइम अभी डॉलर का क्या रेट चल रहा है, तो आपने कहा भाई जो रेट चल रहा है वो आपने कहा 78 रुपये चल रहा है। तो अब आप देखोगे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुपीज़ की जगह साइन चेंज हो गया, क्या आ गया, डॉलर में साइन आ गया आपके पास। और अब आपने कहा आपने सामान खरीद लिया, आपने कहा ये सामान खरीदा, और ये आपने खरीदा मीटर में, और आपने कहा इसका जो हैगा रेट हैगा परचेज का वो ये हैगा। ठीक है,
एफ2 बटन दबा के सेव किया और कितने मीटर खरीदा आपने कहा 10,000 मीटर आप खरीद के लेके आए। कितने डॉलर का आपने सामान खरीद लिया 12,600 डॉलर का। और अब आप इसको सेव करोगे और जैसे आप सेव करोगे तो आपको देखो क्या दिखा देगा, कितने का सामान खरीदा आपने 9,82,800 रुपये का। और अब आप सेव करोगे और सेव करने के बाद जब आप लेजर निकालोगे इसका STSV प्राइवेट लिमिटेड का, तो यहाँ पर अब आपको करेंसी कन्वर्ट भी कर देगा। किस में दिखाएगा आपको, आपको यह दिखाएगा रुपीज़ के अंदर 9,82,000। अब कहता है कि भाई आपने डॉलर में ही पेमेंट करी है इसको, तो पेमेंट में आओगे और पेमेंट जब करोगे तो पेमेंट करिए आपने। अब कहता है कि पेमेंट कैसे होगी, रुपीज़ में होगी डॉलर में होगी, हमने कहा डॉलर में होगी। कितने डॉलर की पेमेंट करी हमने कहा 8, रेट क्या है देखो डॉलर का रेट कम बढ़ती होता रहता है, तो आपने कहा अभी रेट डॉलर का 78 रुपये ही चल रहा है। और अब आपने कितने की पेमेंट कर दी डॉलर से, आपने कहा 8,500 डॉलर आपने पेड कर दिए। तो यहाँ पर देखो 8,500 डॉलर कितने हो गए आपके, 6,63,000 रुपये दे दिए आपने। और ये कैसे पेमेंट होगी, ये कभी भी कैश नहीं होगी आपकी। क्या हुआ, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, आपको जो पेमेंट करनी रहेगी वो आपकी पेमेंट होगी बैंक से। और बैंक के अंदर भी आपको क्या करना रहेगा, चालू करना रहेगा मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी को ऑन करने के बाद आप इसको F2 बटन दबाकर सेव करोगे और अब जब पेमेंट करोगे तो अब आपकी पेमेंट हो जाएगी डॉलर से। एक मिनट हटाकर सेव करते हैं इसको दोबारा, डॉलर का डालते हैं हम रेट और हमने कहा 78 रुपये डॉलर है। और हमने यहाँ पर क्या नाम डाल दिया इसका, STA प्राइवेट लिमिटेड। और हमने कितने की पेमेंट बोली, हमने कहा 8,500 की। और क्या दिया हमने, हमने कहा पेमेंट जो दी हमने PNB बैंक से दी है। ऑर्डर करके लेजर निकाला और यहाँ पर हमने नाम डाल लिया तो कितना अमाउंट आ गया आपका, कह रहा है कि 9,82,800 आपने परचेज किया था। और कितने की पेमेंट दे दी, 6,63,000 रुपये की आपने पेमेंट कर दी। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी करेंसी भी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप चालू कर लोगे मल्टी करेंसी फीचर ऑप्शन को। उसके बाद आगे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर, और अकाउंट्स के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिखाता है मेंटेन इमेजेस नॉट विद मास्टर वाउचर। अब आप चाहते हो कि क्या हो जाए, सभी पार्टीज के अकाउंट्स के अंदर उनकी इमेजेस आ जाए। जितने की पार्टी है आपकी, आप चाहते हो कि हर एक पार्टी का जब आप लेजर निकाल दो लेजर के अंदर क्या आ जाए, उस हर एक पार्टी की फ़ोटो आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फ़ोटो के लिए फ़ोटो के अंदर एक फोल्डर बनाना रहेगा यहाँ पर, और उस फोल्डर के अंदर सारी फ़ोटो सेव करनी रहेंगी, सेव हो जाएगी। जैसे कि मैंने एक फोल्डर बना रखा है और इसके अंदर मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, इमेजेस हैं। उसके बाद हमने अब क्या किया, अब हम यहाँ से पास देंगे, जैसे कि हम डायरेक्टरी को पहले सेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ से पाथ दिया, कहाँ पर फोटो सेव है हमारी, तो हमने कहा डेस्कटॉप पर सेव है, सेव पिक्चर के नाम से। और ठीक है, ऑन करने के बाद आप सेव कर देंगे। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम जो आइटम बनाए आइटम के अंदर भी हमारी फोटोज आए, तो उसके लिए आपको आना रहेगा इन्वेंटरी के अंदर। और इन्वेंटरी के अंदर आप चालू कर लोगे मेंटेन इमेज नॉट विद मास्टर वाउचर, तो यहाँ से ही पाथ दोगे। और कहाँ पर, जहाँ पर भी आपकी इमेजेस हैं उसके लिए ओके करोगे, ओके करने के बाद सेव करोगे, और सेव करने के बाद अब आप एग्ज़िट करोगे, और एग्ज़िट करने के बाद अब आपका बनके तैयार हो गया। उसके लिए फिर आपको एक ऑप्शन और चालू करना पड़ेगा, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सेल और परचेज दोनों के अंदर। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा होगा वाउचर इमेज फोल्डर, उसके लिए भी आप यहां से पाथ दे दोगे, सेव करोगे। उसके बाद सेल के अंदर आओगे मेन पर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन वाउचर इमेज फोल्डर, डेस्कटॉप पर सेव पिक्चर, ओके करोगे और सेव कर दोगे, क्विट करोगे उसके बाद। और क्विट करने के बाद अब आपने जो यहां पर इमेजेस बनाई हुई हैं उन सभी इमेजेस का क्या करोगे, रीनेम करोगे, यानी कि जो आपकी पार्टी का नाम होगा वही आपका इमेज का भी नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आपने टैली और बिजी
आपके माना कि दो प्रोडक्ट हैं और हम मना मान लेते हैं वेबटेल हमारी एक पार्टी यहाँ पर, ठीक है, वेबटेल प्राइवेट लिमिटेड। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आइटम बनाऊंगा, आइटम मैंने क्रिएट किया ऐड आइटम मास्टर के अंदर, और मैंने यहाँ पर नाम रखा बिजी, और जैसे ही मैं बिजी नाम डाल के एंटर करूँगा तो आप देखोगे बिजी आपकी जो आइटम इमेज है उसकी यहाँ पर फोटो आ जाएगी आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पर, और आप इसको अब सेव करोगे। और अब यहाँ पर आप लिखोगे टैली, और टैली जैसे लिखोगे तो यहाँ पर देखो टैली का जो इमेज का फोल्डर है वो शायद कुछ अलग फोल्डर के अंदर है, मतलब अलग इसका साइज है, पिन चाहिए। ये आपको जो इमेज चाहिए होगी, इमेज आपको जेपीजी चाहिए होगी, ठीक है। अब जैसे कि हम वेबटेल वन बना लेते हैं, और अगर मैं वेबटेल वन डालता हूँ यहाँ पर, तो वेबटेल वन डालते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इमेज आ जाएगा, और ये इमेज जो होनी चाहिए आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। जेपीजी के अलावा कोई और फॉर्मेट होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पर, और जेपीजी जेपीजी होनी चाहिए यहाँ पर आपकी। और अब आपने सेव कर दिया। इसी तरह से अगर आप पार्टी बनाओगे और पार्टी में पार्टी का नाम डालोगे, क्या बनाया था हमने, वेब टेल प्राइवेट लिमिटेड, और एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो इसका भी क्या कर रहा है फोल्डर आपका, यानी कि ये जो आपकी इमेज है वो इमेज आपकी जेपीजी में नहीं है, पीएनजी में होगी, इसलिए आपका ये दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, तो डाउनलोड कर लेते हैं हम एक दो इमेजेस और, जैसा यहाँ पर लिख दिया वेब टेल, तो नेट नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं डाल देता हूँ, अगर मैं बिजी डाल देता हूँ तो बिजी देखोगे तो बिजी का यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पर जब बिजी डाल दोगे तो बिजी की आ जाएगी फोटो भी आ जाएगी आपके यहाँ पर, और F2 बटन दबाकर आप इसको सेव कर दो, सेव हो गया। और जैसे आप सेल करोगे, आप परचेज करोगे, तो सेल परचेज करते वक्त भी आपकी ये इमेज आपको दिखाएगा। जैसे हमने क्या पार्टी का नाम बनाया था अभी बिजी, बिजी डाला था यहाँ पर, क्या आ गया पार्टी की इमेज आ गई, और बिजी के साथ अगर आप यहाँ पर आइटम लिखोगे बिजी तो बिजी के अंदर भी अब आपकी क्या आ जाएगा इमेज आ जाएगी, और अगर यहाँ पर आप वेबटेल वन लिख दोगे तो वेबटेल वन की भी इमेज आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इमेज इस तरह से आपकी आएगी लेजर के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी। तो अब आप क्या कर दोगे, इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद अगला फीचर ऑप्शन आता है आपका अकाउंट्स के अंदर, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, हमने एक छोड़ दिया था कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर का देखो यूज क्या है, कॉस्ट सेंटर का बेसिकली यूज है आपका जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसको अलग अलग करने के लिए। अलग अलग करने के लिए कैसे, जैसे कि आपने कॉस्ट सेंटर चालू किया और मैंने कहा मेरे ऑफिस में खर्चा होता है जिसका नाम हैगा कन्वेंस, कन्वेंस होता है किराया भाड़ा एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कन्वेंस डाल देता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट कन्वेंस ही डाल दूंगा तो मुझे ये मालूम चलेगा मैंने किस पर्सन को कन्वेंस दिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, उसके लिए हम एक फीचर ऑप्शन को चालू कर लेते हैं कन्वेंस को, और कन्वेंस फीचर ऑप्शन के अंदर अब आपको मिलेगा कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर को आप यहाँ पर क्या कर लोगे, चालू कर लोगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरे ऑफिस में चार लड़के काम करते हैं, एक धीरेंद्र है, एक कपिल है और एक अमन है। अब इनको मैं डेली बेसिस पे करोल बाग भेजता हूँ, एक दिन अमन को, कपिल को और एक धीरेंद्र को। अब मुझे एक महीने बाद रिपोर्ट निकाल के देनी है कि मैं धीरेंद्र को टोटल कन्वेंस कितना दिया, कितने पैसे दिए मैंने इसको करोल बाग जाने और आने के लिए। अगर हम डायरेक्ट ही कन्वेंस के नाम पर खर्चा डाल देंगे तो हम कन्वेंस ही आएगा और उसमें किसी भी पर्सन का नाम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कन्वेंस के अंदर एक ऑप्शन और चालू कर लोगे जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या आएगा आपका,
आपका पूछेगा जब आप पेमेंट करोगे किसको पेमेंट करी है। तो अब देखो हमने आप पर पेमेंट करी, मैंने कहा भाई 2 अप्रैल में मैंने क्या दिया, कन्वेंस दिया कितना, मैंने कहा 200 रुपये दिए। ये कपिल इसके कान पे लगाओ, तेज लगाओ तेज, इसकी नींद अभी, अब ये दोबारा सोएगा ना, दोबारा लगा। जैसे सेव करोगे यहाँ पर तो आप पूछेगा कॉस्ट सेंटर क्या है, तो कॉस्ट सेंटर यहाँ पर F3 बटन दबाओ और यहाँ पर क्या लिख दो, और पेरेंट ग्रुप में जनरली ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डालना, और कितने दिए हमने 200 रुपये, किस चीज़ का कन्वेंस है, तो आपने कहा एक करोल बाग का है, ठीक है, करोल बाग आने जाने का कन्वेंस है, सेव कर दिया। फिर हमने कहा, फिर हमने 8 तारीख की डेट में कन्वेंस दे दिया, हमने 300 रुपये दिए, और अब किसको दिया हमने यहाँ पर, अब हमने बोला जो कन्वेंस दिया, अरे जनरल, और हमने कहा कन्वेंस जो दिया हमने यहाँ पर कॉल वाक का दिया यहाँ पर, अब एक हमने अब दे दिया 15 तारीख की डेट में, अब हमने यहाँ पर दोबारा कन्वेंस दिया, और हमने कन्वेंस दिया 400 रुपये कैश दिया, और अब किसको दिया, आपने एक और एफसी से नाम बना लिया अमन को, और ये हमने कहा का, हमने कहा करोल बाग का कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस दे दिया, और अब इसकी रिपोर्ट आपको मिलेगी, रिपोर्ट मिलेगी कॉल सेंटर रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। देखा सारे रिपोर्ट्स का पार्ट कहाँ रहा हमारा, डिस्प्ले के अंदर ही मिलेगा, डिस्प्ले में कॉल सेंटर किसका, लेजर किसका देखना है। अब आप जैसे अमन का लेजर निकालोगे और ऑल ग्रुप करोगे तो जितना आपने खर्चा दिया अमन को वो सारा एक्सपेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है जो खर्च हो गया आपका कितना हो गया, अमन को आपने जो खर्चा दे दिया 400 रुपये खर्चा दे दिया। और इसमें क्या आपको हर किसी का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, लेजर के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन चालू हो जाएगा, उसके अंदर डाल दो ये खर्चा मेरा किसको हुआ, किस वजह से हुआ खर्चा, तो ये डाल दोगे तो कॉस्ट सेंटर के अंदर यहाँ पर नाम आ जाएगा। कपिल का डालोगे तो कपिल को बता देगा कितना खर्चा हुआ है, और धीरेंद्र को नाम डालोगे तो यहाँ पर आपको बता देगा धीरेंद्र को हमने कितना एक्सपेंस दिया है। तो ये हमारे आज अकाउंट्स के फीचर ऑप्शन कंप्लीट हो गए, और इस वाली क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।